आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम उत्तर प्रदेश में। रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। देश भर में आज दीपों का पर्व दीपावली मनाया जा रहा है, जहां मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या अपने घर लौटे थे और अपने और उनके वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर उनका भव्य स्वागत किया था, तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। वहीं दीपावली पर प्रदेश के नेताओं ने भी लोगों को बधाई दी है। इसी क्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, असत्य पर सत्य, अत्याचार पर सदाचार, अंधकार पर प्रकाश की विजय के महापर्व दीपावली की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देश भर में आज दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सीएम के खुशियों के दीप जलाने गोरखपुर में वनटांगिया गांव पहुंचे। बताया जा रहा है कि सीएम पिछले 15 सालों से यहां दिवाली मनाने आते हैं। इस दौरान सीएम 153 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जहां हर दीपावली पर गाँव वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार रहता है, तो वहीं गाँव के बच्चे टॉफी बाबा का स्नेह पाने के लिए आतुर दिखते हैं। सबसे पहले दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। अभी अभी मैं अयोध्या से ही आ रहा हूं। कल अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को आप सबने देखा होगा, अवलोकन किया होगा। जैसे अयोध्या सज रही है, संवर रही है, ऐसे ही गोरखपुर, बनटांगिया और उत्तर प्रदेश भी सज और संवर रहा है। और भाइयों बहनों, यही राम राज्य है और यही दीपोत्सव है। उत्तर प्रदेश में नवंबर आने के साथ ही अब सर्द हवा ने भी दस्तक दे दी है। इसके साथ ही पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और हल्की बारिश के कारण भी दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में ठंड बढ़ने के साथ ही बारिश होने के कारण कई दिनों के बाद एक्यूआई लेवल बहुत खराब के लेवल में मॉडरेट श्रेणी में दर्ज किया गया है, जिसके चलते अब लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। हवा में प्रदूषण भी कुछ हद तक साफ हुआ है। फिलहाल बारिश की वजह से प्रदूषण की धुंध से कई शहरों को निजात मिली है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार कुछ दिनों पहले हालात बेहद गंभीर थे। कौशाम्बी में एडीजी जोन भानु भास्कर ने वृद्धाश्रम ओसा पहुंचकर वृद्धजनों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। इस दौरान उन्होंने वृद्धजनों को उपहार स्वरूप फल और मिठाइयां वितरित की है। इस मौके पर वृद्धाश्रम के प्रबंधक आलोक राय को भी सम्मानित किया गया। वहीं एडीजी जोन भानु भास्कर ने बताया कि बेसहारा और अनाथ लोगों के साथ दीपावली पर्व से एक दिन पहले जाकर उनके साथ दिवाली पर्व जरूर मनाएं। पुलिस मुख्यालय का डीजीपी साहब का ये पहल रहा है शासन के निर्देशों पर कि हम लोग को दीपावली के एक दिन पहले उन लोगों के पास जाके, और जिनके पास परिवार नहीं है या निराश्रित हैं, उनके पास जाके अपनी दीपावली उन लोगों के साथ मनानी है। उसी प्रयास में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी श्री विजय श्रीवास्तव और एडिशनल एसपी श्री समर भादव ने यहाँ पर कौशाम्बी ऑर्गेनाइज किया था। इसमें हमारे प्रबंधक साहब ने श्री आलोक राय साहब, जिन्होंने गाजीपुर से आके यहाँ पर सभी लोग निराश्रित और वृद्ध लोगों के साथ जो है दीपावली का एक कार्यक्रम आयोजन किया था, जिसमें बड़ा अच्छा पूजन संध्या जिस कौशाम्बी जिले में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद वो मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक कुटरावी गाँव का रहने वाला पताली पटेल शराब पीने के बाद पत्नी मीना देवी से पैसे मांगता था। घटना की जानकारी मिलने के बाद मायके वाले पहुंच गए थे।
थाना मोहब्बतपुर पैंसा क्षेत्र में कल रात में एक घटना हुई जिसमें पति ने अपनी पत्नी को मार दिया है। आरोप यह है कि वो शराब पीता था और उनसे पैसे की मांग करता था, ससुराल से भी दहेज की मांग करता था और कल फिर उसने पैसे की मांग करी और महिला ने पैसे नहीं दिए। उस बात पर नाराज होकर उसने उनको पीट पीट के उनकी हत्या कर दी है। इस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, इसे विधिक कार्रवाई कर ली। उसकी गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है। कौशाम्बी में मामला सराय अकील थाना क्षेत्र के तरना गांव का है, जहां जमीन विवाद में एक शख्स ने अपने बेटे के साथ मिलकर भतीजे की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक के पिता की तहरीर पर तीनों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं ASP समर बहादुर ने बताया कि इस संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और नामजद 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। थाना सराय अकील क्षेत्र में कल रात में दो पक्ष आपस में शराब पी के लड़ गए थे, जिसमें एक पक्ष को काफ़ी चोटें आई थी। दौरान इलाज उनकी जनपद प्रयागराज में मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, कुछ लोग उसमें गिरफ्तार भी हुए हैं। शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शराब पी के नशा हो गया, वापस में लड़ गए। खबर गोंडा से है, जहां पर इमरजेंसी वार्ड जंग का अखाड़ा बन गया। इसी बीच तीमारदार और कर्मचारियों के बीच उठा पटक हो गई, जिसके बाद मरीज को समय से इलाज नहीं मिल पाया। इस वजह से तीमारदार में आक्रोश देखने को मिला। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। हरदोई के पिहानी कोतवाली इलाके में मुस्लिम महिला ने नंदोई पर रेप का आरोप लगाया है, जहां मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया कि नंदोई ने घर ले जाकर महिला को बेहोश कर रेप किया और रेप के दौरान आरोपी ने महिला का अश्लील वीडियो और फोटो बनाया, जिसके बाद उसने वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसके साथ शारीरिक शोषण करने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। कानपुर में नौबस्ता थाना क्षेत्र के विराट नगर चौकी के ब्लॉक स्थित स्कूल के बाहर छात्रों में जमकर हंगामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि स्कूली छात्रों के बीच आपसी रंजिश में जमकर मारपीट हुई, जहां स्कूल में ही पढ़ने वाले छात्र ने दूसरे छात्र की जमकर पिटाई कर दी है। हरदोई के हरियामा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर आ रहे 3 लोगों को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक को गंभीर हालत में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। थाना क्षेत्र हरियावा के अंतर्गत बिलहरी मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल से 3 लोग जा रहे थे। अज्ञात वाहन के टक्कर में तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इनको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय हरदोई भेजा गया, जहां पे 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, जिनके नाम हैं बंशीराम और रामोतार। ये चितपुरवा कोतवाली के रहने वाले हैं और तीसरे व्यक्ति का इलाज चल रहा है, मौके पर शांति व्यवस्था कायम। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगने से घायल हो गया और घायल बदमाश को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया और गिरफ्तार व्यापारी से लूट के 20,000 रुपए के साथ एक तमंचा भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। 6/11/2023 को दिल्ली UP बॉर्डर में जौहरी इंक्लेव मेट्रो स्टेशन के पास एक प्लाईवुड सप्लायर के कलेक्शन एजेंट का बैग मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा छीन लिया गया था। उस बैग में कलेक्शन के 4.5 लाख रुपये रखे हुए थे। लोनी बॉर्डर पर प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए ग्रामीण जोन स्वाट टीम तथा थाना लोनी बॉर्डर से कुल 6 टीमों का गठन कर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज जरिए मुखबिर यह सूचना प्राप्त हुई कि उक्त घटना में सम्मिलित बदमाश नहर पटरी पुलिया से होकर गुजरने वाले हैं।
प्राप्त सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस एवं ग्रामीण जोन स्वाट टीम द्वारा इस क्षेत्र में सघन चेकिंग की जा रही थी, तभी दो बदमाश एक सफ़ेद स्कूटी से आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस टीम द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वह तेजी से स्कूटी मोड़कर भागने लगे तथा पुलिस टीम को एम कर जानलेवा फायर कर दिए। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा फायर किया गया जिसमें एक बदमाश घायल हुआ तथा एक बदमाश मौके से भाग गया। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।